Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गुड आफ्टरनून स्वागत है आप सभी का टेस्टबुक के ऑफिशियल चैनल पर मैं ऋतुराज अवस्थी और आज दोपहर को एक बज चुके हैं और क्विज जो अपना है आज का बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर एग्ज़ाम से देखने को मिलेंगे जो पूछे गए हैं तो so, सभी का स्वागत है गुड आफ्टरनून सुविंदा जी पुनीता आशीष समित अशिता प्रवीण कीर्ति अनंदिता अनीशा तो so, सभी का स्वागत है आई एम वेरी गुड आप सभी कैसे हैं भाई जल्दी से रेडी हो जाइए क्लास स्टार्ट हो चुका है ऑल गुड गाइस सो कल अपना क्लास नहीं हो पाया था ड्यू टू सम आई डोंट सो कोई बात नहीं आज का जो अपना क्विज है स्टार्ट हो चुका है एक बजे से तो सभी लोग अगर रेडी हो तो अपन क्लास स्टार्ट करें क्विज का मैंने आपको पैटर्न बता ही दिया है कि क्विज का मतलब ये रहेगा कि यहाँ पर जो अपने क्वेश्चन हैं क्वेश्चन अपन बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे मतलब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा थर्टी क्वेश्चन के आसपास और वो थर्टी क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं और सबसे लास्ट में बताना है किसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ठीक है जो टॉपिक वाइज है टॉपिक वाइज अपन कब डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज जो क्लास है अपना वो होता है नाइन पी तो बिल्कुल नाइन पी जुड़ा करिए दोपहर में एक बजे और शाम को या रात में नौ बजे ठीक है दो बार क्लास होता है और दोनों डेडिकेटली एस एस सी के लिए है तो बिल्कुल जुड़ना मत भूला करिए ओके सो गई चलते हैं आगे आज के सबसे पहले प्रश्न की तरफ आपकी स्क्रीन पर ये रहा पूछा गया है आपसे देखिए इफ वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द फोकस ऑफ अ कंकेव मिरर देन द इमेज मस्ट बी फॉर्मड यदि हम केंद्र और अवतल दर्पण के फोकस के बीच एक वस्तु को रखते हैं तो निर्मित आकृति बननी चाहिए बियॉन्ड सेंटर एट सेंटर एट फोकस नन ऑफ द अबब कहाँ पर बननी चाहिए ये आपको बताना है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पहला जल्दी से आंसर करिए ठीक है आपको हार्डली टेन सेकेंड में आंसर कर देना चाहिए टेन सेकेंड में आपको आंसर कर देना चाहिए बिकॉज यहाँ पर जो है ना सही उत्तर इसका क्या है बियॉन्ड सेंटर केंद्र से दूर यहाँ पर बनेगी किसकी बात करी गई है सो so, एक कनकेब मिरर की बात हो रही है तो जब भी आप कनकेव मिरर के बारे में देखोगे तो अगर इसका पोजीशन कहाँ पर होता है अगर इसका पोजीशन आपका सेंटर में होता है ठीक <coughs> बिटवीन द सेंटर एंड फोकस सेंटर और फोकस के बीच में होता है तो ये कहाँ पर आपका बियॉन्ड द सेंटर सेंटर से दूर यहाँ पर ये इमेज फॉर्म होती है और किस फॉर्म में होगी तो इन लार्ज फॉर्म में बनेगी रियल और इन्वर्टेड होती है सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर फोकस में है तो अगर ऑब्जेक्ट का पोजिशन फोकस में है तो कहाँ पर बनेगा ये आपका इन्फिनिटी में बनेगा अगर ऑब्जेक्ट का पोजिशन सेंटर में है तो कहाँ पर बनेगा वो इमेज साइज सेंटर में ही बनेगा ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं पूछा गया है आपसे यहां पर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है वन अपॉन टेंथ वन अपॉन सिक्स वन अपॉन एट और वन अपॉन फोर्थ कितना होता है ये आपको बताना है मून के बारे में बात करी गई है इसका सही उत्तर देखेंगे राइट right आंसर आपका हो जाएगा यहां पर वन अपॉन सिक्स एक बटे इसका सही उत्तर रहेगा कभी भी अगर आप वेट की बात करते हैं ऑब्जेक्ट की तो मून पर कितना होता है वन बाई सिक्स ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ ठीक है कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है वेट इजक्वल टू क्या होता है वेट इजक्ल टू होता है आपका मास इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है वेट इजक्ल टू होता है मास इन टू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पर्टिकुलर प्लानिट की जब सर्फेस ऑफ द अर्थ की हम बात करते हैं तो अर्थ सर्फेस पर कितना सर्फेस पर देखते हैं तो यह कितना मिलता है डब्ल्यू इज टू एम जी बाई सिक्स ठीक है एम जी बाई सिक्स या वन अपॉइंट सिक्स एम इन टू जी क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू मून ग्रेविटी यहां पर क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी डिवाइडेड बाई सिक्स हो जाता है सो so, वेट यहाँ पर क्या हो जाएगा वेट एट मून पार्लियामेंट संसद का हिस्सा नहीं है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेरी गुड आशीष डब्ल्यू या वन अपॉइंट इंटू एमजी हो जाएगा अभी क्वेश्चन आपसे पार्लियामेंट पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पार्लियामेंट का एक पर्टिकुलर पार्ट part नहीं है ये आपको बताना है तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्योंकि गवर्नमेंट के या हम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम अगर ऑर्गन देखें तो तीन पर्टिकुलर ऑर्गन आते हैं एग्जिकटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशरी सो पार्लियामेंट बेसिकली कहाँ से बिलोंग करता है लेजिस्लेटिव से बिलोंग करता है जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाते हैं तो अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट यहां पर सारे सिस्टम के क्या होते हैं हेड ऑफ द एग्जेक और इन्हीं का काम होता है इनके फंक्शन को रन करने का प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में आते हैं एंड जो भी पर्टिकुलर पर्सन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो ये तीनों कहां से बिलोंग करेंगे पार्लियामेंट से एक्सेप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द रोल ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज डिफाइन बेस्ट एज भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका को किस प्रकार परिभाषित किया गया है अब्सोल्यूट हेड नॉमिनल हेड मोनार्क और नन ऑफ द अब किस तरीके से डिफाइन किया गया है ये आपको बताना है वेरी गुड कीर्ति यहाँ पर अभी शरद अरविंद बोबडे जी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं द रोल ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज डिफाइंड बेस्ट एज राइट आंसर यहां पर होगा जिसको हम कहते हैं नॉमिनल मात्र की मुखिया कहलाते हैं क्योंकि इन्हें सारी चीजें जो भी प्राइम मिनिस्टर कहेंगे अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्ट्री उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी ऑल द पावर जो एक्सरसाइज है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की जो हेडेड किसके द्वारा होती है प्राइम मिनिस्टर की एंड प्राइम मिनिस्टर सजेस्टेड प्रेसिडेंट टू डू दैट सो दैट इज कॉल्ड एज द नॉमिनल है अब सोल्यूट का मतलब होगा जस्ट लाइक like यूएसए यूएसए का जो प्रेसिडेंट है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग ही कैन टेक एनी डिसीजन दैट इज कॉल्ड एज द हेड मोनार्क का मतलब होता है राजा किंग ठीक है जस्ट लाइक like, अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर भी राजा है जापान की बात करें तो वहां पर भी राजा है दे आर कॉल्ड एज द मोनार्कल कंट्री और सबसे बड़ी चीज अगर आप देखोगे तो नेपाल भूटान वगैरह में भी राजा है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द मोनार्कल कंट्री जहां पर कि राजा होता है और बेसिकली मोनारिकल कंट्री किनको कहा जाता है जहां पर हेड ऑफ़ द कंट्री जो है आपका इलेक्टेड नहीं होता है दैट बिलोंग्स फ्रॉम द हेरेडिट्री हेड ऑफ़ द कंट्री इलेक्टेड ना होकर के हेरेडिट्री से बिलोंग करता है मतलब राजा का बेटा राजा होगा ठीक है लेकिन जब आप बात करेंगे किसकी जब आप बात करेंगे यहाँ पर जो भी आपके अब आप, जो भी हमारी रिपब्लिकन कंट्रीज़ वगैरह होती तो इनमें जो हेड ऑफ़ द कंट्री हैं वो क्या होते हैं इलेक्टेड होते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आप बॉडी ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ मोर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज सेट टू बी हवा में ध्वनि के वेग से अधिक की गति से यात्रा करने वाले पदार्थ को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक किम जोंग तो डिक्टेटर है वो तो बदमाशी चलती है नॉर्थ कोरिया में जो भी है इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा देखिए अगर हम इसके बिल्कुल परफेक्ट आंसर को देखेंगे राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सुपरसोनिक बॉडी ट्रेवलिंग बाई अ स्पीड ऑफ मोर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर इज सेट टू बी द सुपरसोनिक जब आप अल्ट्रासोनिक की बात करते हो तो आर दोज वाइब्रेशन विच आर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन द अपर लिमिट ऑफ द ह्यूम ऑडिबल रेंज दैट इज 20 किलो हर्ड्स ट्वेंटी किलो हर्ड जो है ह्यूमेन की रेंज होती है सो इससे अगर फ्रीक्वेंसी अब है सो दैट इज कॉल्ड एज द अल्ट्रासोनिक When we talk about the infrasonic, तो infrasonic sound are those sound which have the frequency lower than the lower limit of the human audible range. Means 20 hertz. बच्चों यहाँ पर confuse मत होना, because it is 20 kHz. So ये कितना हो जाएगा आपका? 20,000 करीब Hz में आ जाएगा अगर आप convert करोगे. ठीक है? फिर hyper sonic की बात करोगे, so हाइपरसोनिक जो स्पीड है मोर देन फाइव टाइम साउंड ऑफ द स्पीड ऑफ फ्रीक्वेंसीज अब टेन मिलियन हर्ट्स थाउजेंड मिलियन हर्ट्स सॉरी थाउजेंड मिलियन हर्ट्स यहां पर इससे पांच गुना साउंड अब ज्यादा होता है दिस इज कॉल्ड एज द हाइपरसोनिक ठीक है हाइपरसोनिक जिसको अगर मैक नंबर में कैलकुलेट करोगे तो ग्रेटर देन सेवन होता है ठीक है ग्रेटर देन सिक्स होता है सो so, अल्ट्रासोनिक क्या हो गया आपका अल्ट्रासोनिक जो ऑडिबल रेंज से ज़्यादा है इंफ्रासोनिक क्या हो गया आपका जो ऑडिबल रेंज से जो साउंड है जो इसकी फ्रिक्वेंसी कम है और जो सुपरसोनिक है सो सुपरसोनिक मैंने बताया ही कि जो ट्रेवल होता है मोर देन वेलोसिटी ऑफ एयर साउंड इन द एयर और जो हाइपरसोनिक है ये हो जाएगा आपका स्पीड मोर देन फाइव टाइम्स द साउंड स्पीड और फ्रीकेंसी अबब देन थाउजेंड मिलियन हर्ट्स

गाइज जल्दी से अटेंडेंस जरूर मार्क क्या करो ठीक है वीडियो को लाइक करना इट मीन योर दैट इज काउंट एज योर अटेंडेंस इसका सही उत्तर देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स पावर माइनस टेंटीन कुलाम इज द वैल्यू ऑफ ई ठीक है ई की वैल्यू होती है इसका मतलब होता है ऑल द चार्जेस आर द मल्टीपल इंटीजियस ऑफ द क्वांटिटी ई जहां पर अगर देखोगे तो Q टू एन ए होता है तो एन वहां पर क्या निकाल दिया जाता है आपका एक के तौर पर निकाला जाता है, और अगला कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय सरकार से संबंधित नहीं है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सीबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशरी कौन सी नहीं है ये आपको बताना है टेन सेकेंड लगने चाहिए क्वेश्चन को आंसर करने में बिकॉज क्विज का मतलब क्या है क्विज का मतलब है कि यहां पर यू आर टेस्टिंग योर सेल्फ है ना जिसको अपन बोले आ देखें जरा किसमें कितना है दम राइट right? इसका सही उत्तर देखेंगे क्या हो जाएगा फ्लेक्सिबल जब भी आप फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे सो so, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा इट इज नॉट द कैरेटरिस्टिक ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की जो आ, अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है दैट इज अ फ्लेक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है सुप्रीमेशी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये सारे फंक्शन होते हैं आपके किसके दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ओके इन द फेडरल सिस्टम देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इक यूएसए हेज द फेडरल गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सो अ फ्लेक्लूशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज दिन राइट अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोविंग डिवाइस कन्वर्टेड ए सी टू डी सी निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एसी को डीसी में परिवर्तित करता है एम्पलीफायर फिल्टर रेक्टीफायर और कंडेंसर इसका सही उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग दिवाइस कू डी सी ए सी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग अल्टर डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करेंट तो सही उत्तर इसका देखेंगे हो जाएगा आपका रेक्टिफायर रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करेंट टू द डायरेक्ट करेंट इट इज रेगुलेट्स द पावर सप्लाई अगर एक तरीके से देखें तो जब आप एम्पलीफायर की बात करेंगे सो एम्पलीफायर इज अ डिवाइस दैट हेल्प इन Improving the voltage current of signals. सो so, यहां पर देखिए एम्पलीफायर हो जाएगा एम्पलीफायर के बाद जब आप बात करेंगे किसकी जिसे कहा गया आपका फिल्टर तो फिल्टर एक ऐसी डिवाइस होती है दैट रिमूव्स द अनवांटेड कंपोनेंट फ्रॉम द सिग्नल सिग्नल में जो भी आपके अनवांटेड कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है फिल्टर के द्वारा ओके जब आप कंडेंसर की बात करेंगे हेल्प करता है कन्वर्टिंग अ गैस इंटू लिक्विड गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है कंडेंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट वॉट पर्पज ड्रावाट ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सर्ब पानी के परावैग्न अल्ट्रावायलेट उपचार तो का क्या उद्देश्य है इट रिमूव्स स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इट एड्स न्यूट्रिएंट्स इट इनएक्टिवेट्स बैक्टीरिया इट इंप्रूव द क्लियरिटी ऑफ वाटर कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से आंसर करिए सिर्फ टेन सेकेंड लगने चाहिए आपको यहां पर आंसर करने के लिए राइट right. सही उत्तर इसका देखिए हो जाएगा इट इनएक्टिवेट बैक्टीरिया जो पर्पज़ होता है अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट का वाटर का वो बैक्टीरियाज को क्या करना खत्म करना होता है अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है कहाँ से फ्रॉम द सन लाइट और ये आपका एक वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक होती है जो यू बी ट्रीटमेंट एक इफेक्टिव डिस इन्फेक्टेंट के तौर पर यूज करी जाती है जब आपका स्ट्रॉन्ग जर्मी साइड्स वगैरह होते हैं तो उसमें

और मूवमेंट मतलब पहल करना किस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा ये पहल की गई थी कि हमारे देश में जो शासन है जो प्रशासन है वो हमारे घर का ही होगा सो so, इसका सही उत्तर देखेंगे ये हो जाएगा आपका एनी बिसेंट और तिलक ठीक है एनी बिसेंट एंड तिलक यहाँ पर इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी को पता है कि भाई एनी बिसेंट जी के द्वारा यहाँ पर 1915 में होम रूल लीग मूवमेंट को स्टार्ट करा गया था आर आर वगैरह रीजन से और तिलक के द्वारा 1916 में इन्होंने महाराष्ट्र से शुरू किया था एक्सेप्ट बॉम्बे बॉम्बे को अगर छोड़ दिया जाए तो ओके गाइस सो इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आया है एस एस टी जेई का लाइव कोचिंग जहां पर मिलेगी आपको जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की हंड्रेड प्लस लाइव क्लासेस थर्टी फाइव हंड्रेड प्लस पीडीएफ कैप्सूल एग्जाम क्वालिफाइड कोर्स लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ ही साथ इसका लिंक साथिफ्टी प्लस प्रैक्टिस सेट्स एटी प्लस पीडीएफ नोट एग्जाम क्वालिफाइड कोच और साथ ही साथ मिलेगा आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री इला टेक्स्ट बुक पास विद दिस कोर्स लिंक इसका यहां पर मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ टेक्स बुक की

फाइव हंड्रेड प्लस मॉक टेस्ट पांच सौ से भी ज्यादा पीडीएफ स्टडी नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ नाइन रुपीज में okay, so अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेजरमेंट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी रेडियो धर्मिता को मीजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करा जाता है ये आपको बताना है पटना में लॉकडाउन लग गया है भाई घर में नहीं रहेंगे तो कोरोना से कैसे जीतेंगे जब तक कोरोना नहीं जाएगा तो ये चीजें तो होती रहेंगी ठीक है so, सो इसलिए कहा जाता है स्टे सेफ स्टे एट होम कीप लर्निंग डॉट कॉम पर देखिए इसका सही उत्तर होगा जिसे हम बोलते हैं गीगर मूलर काउंटर गाइगर मूलर गणित्र जिसको कहा जाता है गीगर मूलर काउंटर इज अ डिवाइस यूज फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन अल्फा हो बीटा हो गेमा हो कोई भी हो उसके लिए बेसिकली ये जो एक पेयर होता है इलेक्ट्रोड्स का जो गैस से सराउंडिंग होता है इलेक्ट्रोड्स में हाई वोल्टेज होता है और जो गैस होती है यूजुअली हीलियम और आर्गन सो तो से क्या होता है है इसको डिटेक्ट कर लिया जाता अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग स्वदेशी आंदोलन भारत में के दौरान शुरू हुआ था एंटी बेंगोल पार्टीशन एगिटेशन द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ नाइनटीन नाइनटीन चंपारण सत्याग्रह ऑफ गांधी द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉल अटैक्ट सही उत्तर बताना है इसका क्या रहेगा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटी पार्सल मूवमेंट जिसको बोला गया एंटी बंगाल पार्टीशन एगेशन स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी भारत में एंटी पार्टीशन के तहत जब आपको पता है सेवन अगस्त नाइनटीन जीरो फाइव को बंगाल का सेपरेशन कर दिया गया था और वहाँ से पूरा देश अंग्रेजों के अगेंस्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है बायकॉट मूवमेंट को भी वहीं से लॉन्च करा गया था जस्ट लाइक like अभी आत्मनिर्भर भारत की बात करी गई चाइना को बैन कर दिया गया सेम चीज़ वहाँ पर भी हुई थी वहाँ पर भी बायकॉट मूवमेंट को स्टार्ट हुआ था खिलाफत आंदोलन जो नॉन कोऑपरेशन आंदोलन था तो इनके मूवमेंट को अगर देखोगे तो 1919 से 22 के बीच में हुआ था ठीक है जो चंपारण था वो 1917 में हुआ था गांधी जी ने वहां पर प्लेस लिया था और रॉलेट एक्ट जिसे कहा गया बिना अपील बिना वकील बिना दलील कानून ये भी 1919 में आया था अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बिंबिस रूल्ड फॉर इयर बिफोर बीइंग किल्ड बाय हिज ओन सन फॉर द थ्रोन सिंहासन पर अपने बेटे द्वारा हत्या किए जाने से पहले बिंबी ने तक शासन किया था 28 ईयर 52 ईयर 38 ईयर और 42 टू ईयर कब तक शासन करा था आप सभी को पता होगा इनको पैट्रिसाइड साइड वंश भी कहा जाता था क्योंकि हर बेटे ने अपने पिता की हत्या करी थी सही उत्तर इसका हो जाएगा 52 टू बावन ईयर्स के आसपास यहां पर इसने शासन करा था ठीक है ही वॉज द फाउंडर ऑफ द हरियंक डायनेस्टी और इस पर्टिकुलर पर्सन ने 544 BC बीसी के अराउंड जो है हरियाण डायनेस्टी को बनाया था इन 492 में इसको यहां पर इसके बेटे जिसका नाम था आजाद शत्रु 492 नाइन्टी टू बी सी पर इसके बेटे आजाद शत्रु ने इसे मार दिया था अगला क्वेश्चन कॉकरोच इज तिलचट्टा एक कॉकरोच इज आ तिलचट्टा क्या होता है जिसको बोलते हैं सैंगिवरस कार्निवरस हर्बीवोरस ओमिनोवोरस इसका सही उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा आपका जिसको सर्वभक्षी ओमिनोवोरस कहा जाता है ओमिनोवोरस का मतलब जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है सर्वभक्षी मींस दे ईट एवरीथिंग हर कुछ खा लेते हैं ठीक है जब आप यहां पर रुधरा आहारी संघविरोस की बात करोगे द ओनली गॉन फॉर द ब्लड कार्निवोरस की बात करोगे सो एनी एनिमल द एनी एनिमल दैट ईट्स मीट एज द मेन पार्ट ऑफ द डाइट दैट इज कॉल्ड एज द कार्निवोरस हर्बीवोरस की बात करोगे सो एनिमल ईट्स ओनली द वेजिटेरियन राइट और ओमिनिवोरस आर द एनिमल विच कंज्यूम बोथ प्लांट्स एनिमल्स मीट्स एवरीथिंग अगला क्वेश्चन देखिए फॉलोविंग इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है वॉट किलो वोट किलो वोट आवर जूल पर आवर या सॉरी जूल आवर इसका सही उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा कमर्शियल यूनिट आप देखेंगे तो द फोर्थ वन इज द राइट आंसर किलो वोट आवर जिसको कहा गया ये यहां पर इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर कहला जाएगा किलो वॉट घंटा जिसको हम बोलते हैं पावर कंजम्पशन होता है कमर्शियल केसेस में वेरी हाई सो इट कैन नॉट बी मीज़र एनर्जी इन जूल जूल में इसको मीजर करना पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज एक किलोवोट आवर बराबर कितना थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड या थर्टी सिक्स लैक जूल्स के अराउंड होता है ठीक थर्टी सेक्स सिक्स लैक्स जूल के आसपास होता है ये यह यहां पर मैं लिख देता हूं वन किलो वॉट टू किलो वॉट अवर इक्वल टू जूल ओके अगला क्वेश्चन देखिए कनेक्ट मसल्स टू बोन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है कार्टिलेज एरोलर लेगामेंट और टेंडन्स कौन जोड़ता है बोन्स को या मसल्स टू द बोन्स इसके बारे में आपको बताना है इसका राइट right आंसर आप देखेंगे क्या हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं टेंडन्स टेंडन्स आर द फीवरस कनेक्टिंग टिश्यू दैट कनेक्ट द मसल टू द बोन लिगामेंट की बात करोगे सो लिगामेंट्स आर अस्थिबंधन बोन टू बोन मीन्स दे कनेक्ट वन बोन टू द अनदर बोन ओके एरोलर इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इट होल्ड दिन प्लेस ऑफ द अटैच एपी थे अबाउट द कार्टिलेंस एंड स्मूथ इलास्टिक टिश्यू रबर लाइक पैडिंग अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच अमंग द फॉलोविंग इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन एशिया निम्नलिखित में से कौन एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है बांग्लादेश इराक जॉर्डन इंडोनेशिया पॉपुलेशन की बात करेगी सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश कौन सा हो जाएगा सही उत्तर होगा इसका इंडोनेशिया आप सभी को यहां पर इसके बारे में पता होना चाहिए दैट इंडोनेशिया जो है ना थर्ड पॉपुलर स्टेट कहला जाता है इसका पॉपुलेशन अप्रॉक्स टू ट्वेंटी फोर सिक्स मिलियन के आसपास इसका पॉपुलेशन होता है चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री देन केम्स टू इंडिया टू इंडोनेशिया ओके बांग्लादेश अगर देखोगे तो फिफ्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द यूनिवर्सल एनर्जी करेंट ऑफ प्लान एंड एनिमल इज पौधों और जानवरों की सार्वभौमिक ऊर्जा मुद्रा है ए टीपी क्लोरोफिल कैलरी और एन ए डी पी क्या होती है इसकी जो एनिमल्स के सार्वभौमिक एनर्जी राइट right आंसर यहां पर आप देखेंगे ए देखिए यहां पर जो एटी की एटीपी की बात करें सो इट इज कॉल्ड एज द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसे कहा जाता है इट्स इट स्टैंड अच्छा एक और होता है एडीपी एडीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन डाई एक होता है ए एम पी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट राइट जब आप यहाँ पर बात करेंगे आ, मतलब एक एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल की जो पाया जाता है आपके सेल्स और लिविंग एनिमल्स में ये आपका केमिकल एनर्जी को रिलीज करता है इन ऑर्डर टू द सेलुलर प्रोसेस और ये जो ऑर्गनल है उसे हम बोलते हैं दैट इज माइटोकाइंड्रिया द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट डिस्पर्जन ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टिंडल इफेक्ट किसके कारण होता है ये आपको बताना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्पर्जन ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसके कारण होता है टिंडल इफेक्ट इसका राइट आंसर देखेंगे ये हो जाएगा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट टिंडल इफेक्ट आज ड्यूरिंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है लाइट जो आपकी स्कैटर होती है जब ये पास होती है थ्रू द कोलाइट्स कोलाइड्स जो आपका एक टर्म है मिक्सचर्स और कंटेनर्स पार्टिकल्स के लिए इसको दिया जाता है टिंडल इफेक्ट की बात करोगे तो ये एक पर्टिकुलर बीम ऑफ लाइट को पास करता है थ्रू अ मिक्सचर टू बी हाईली विजिबल इन अ प्लांट सेल राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्लांट सेल में जो राइबोसोम है ये आपका क्या साइट है कौन सा स्थल कहलाता है वेरी वेरी गुड गुड कुंदन सिंह जी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया था नवदीप जी कह रहे थे स्केटरिंग वेरी गुड आई लाइक रेनबो अनिशा यस इसका सही उत्तर आपको बताना है प्लांट ऑफ राइबोसोम की साइट कहां पर होती है दैट इज फॉर द प्रोटीन सिंथिस किसके लिए आपका होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है राइबोसोम परफॉर्म करता है प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन और द मींस होता है एसिड कंपोज किससे होते हैं आपके सो so, ऑर्गेनल से लाइक राइबोसोमल आर एन ए राइट तीन तरीके के होते हैं आर आर एन ए टी आर एन ए और एम आर एन ए सो आर का मतलब होता है राइबोसोमल एम का मतलब होता है आपका मैसेंजर और टी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेबल राइट right. अगले क्वेश्चन पर आते हैं विच ऑफ द गंगा रिवर डेजिग्नेटेड एज देशनल वॉटर वे गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में नामित किया गया है प्रयागराज पटना प्रयागराज हल्दिया कानपुर वाराणसी और हरिद्वार हल्दिया देखिए ये जो वाटरवेज की बात करी जा रही है यहां पर सो so, कब कहां पर इसको वाटरवेज बनाया गया है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रयागराज से हल्दिया प्रयागराज टू हल्दिया आपका नेशनल वाटरवे नंबर वन आ जाता है टोटल डिस्टेंस इसका लगभग वन सिक्स टू जीरो किलोमीटर के आसपास आता है एक हजार सौ बीस किलोमीटर के आसपास आता है जो आपका नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है ये पार्ट होता है गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम का बिकॉज आप सभी को पता है कि गंगा नदी ओरिजिनेट होती है उसके बाद ये टर्न होती है जब कहां पर बांग्लादेश में सो so इट इज बांग्लादेश में तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है बट जो फर्राका बैरेज के बाद हुगली रिवर कहा जाता है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम डेली टू डौलताबाद किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक फिरोज शाह तुगलक और खिजरखा सो so, इसका आपको सही उत्तर बताना है क्या हो जाएगा राइट right आंसर यहां पर आप देखेंगे होगा मोहम्मद बिन तुगलक जिसके समय पर की सल्तनत सबसे बड़ी हुआ करती थी और सल्तनत जब सबसे बड़ी होती थी तो यहां पर ये मोहम्मद बिन तुगलक कहला जाएगा जिसने कैपिटल को 1327 में ट्रांसफर करा था कहा 1327 में ट्रांसफर कर दिया था दिल्ली से डौलताबाद लेकर के ये आ गया था ठीक है और यहां पर देखो जो अकॉर्डिंग टू हिम दिल्ली वॉज नॉट सेफर प्लेस दिल्ली बहुत ज्यादा सेफ प्लेस नहीं था विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द वैक्टर क्वान्टिटी निम्नलिखित में से कौन सदस्य का राशि का उदाहरण नहीं है एक्सलरेशन पावर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द वैक्टर क्वान्टिटी निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल नहीं है देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डायरेक्शन आर कॉल्ड एज द वेक्टर क्वांटिटीज लाइक वी रिप्रजेंट दो लाइक दिस ओके सो हियर यू टॉक अबाउट पावर पावर और एनर्जी या पावर एज एनर्जी और वर्क पर यूनिट टाइम टाइम डज नॉट कंसिडर इन पावर

पावर इज वॉट इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज टर्म एज पावर ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है मैग्नीशियम वेरेलियम कैल्सियम और पोटेशियम इसका सही उत्तर आप देखेंगे ये हो जाएगा कैल्शियम देखिए न्यूलैंड के ऑक्टिव लॉ में इन्होंने क्या कहा था इन्होंने यहां पर जो है ना ये कहा था कि जो भी पर्टिकुलर एटॉमिक वेट है एटॉमिक वेट के आधार पर इन्होंने नोट करा था तो एवरी एट एलिमेंट आठवां एलिमेंट हैड द सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट हर आठवें एलिमेंट के पास जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी जैसी कि किसके पास हुआ करती हैं आपके फर्स्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट के पास होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इन द अरेबियन सी निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है इंडस, गोदावरी ब्रह्मपुत्रा और कृष्णा कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है सो so, आप सभी को पता है रिवर सिस्टम को भारत में दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड करा गया है ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेशन फर्स्ट वन इज द हिमालयन रिवर नेक्स्ट वन इज द पेनसुलर रिवर सो हिमालयन रिवर भी दो कैटेगरीज में होती हैं फर्स्ट दैट आर फ्लोइंग द बेस्ट वर्ल्ड दैट इज ऑन द अरेबियन सी एंड ईस्ट वर्ड दैट इज लाइक ऑन द वे ऑफ बंगाल राइट सो यहाँ पर अगर आप इसकी बात करेंगे सही उत्तर हो जाएगा इंडस नदी ये आपका फॉल होती है अरब सागर में गोदावरी ब्रह्मपुत्र और कृष्णा दीज आर द रिवर्स फॉर्मिंग देयर डेल्टाज इन द वे ऑफ बंगाल ये नदियाँ कहाँ जाती हैं वे ऑफ बंगाल में इंडस रिवर की पांच ट्रिब्यूटरीज होती हैं जिनको हम पंचनाथ कहते हैं सतलुज ब्यास राबी चिनाब और झेलम ये ज्वाइन करती हैं इंडस रिवर को कहाँ पर जाकर के मिथानकोट इन पाकिस्तान ओके गाइस सो नाउ इट्स टाइम फॉर द होमवर्क आगे के पांच क्वेश्चन मैं करवाऊं या आपको होमवर्क तू जल्दी से बताओ ठीक है आप लोग सभी आंसर तो करते हैं वेरी गुड ग्रेट सो व्हाट आई नो कि मैं आपको जो है ना लास्ट के पांच क्वेश्चन हम एग्जांपल के या उदाहरण के तौर पर देंगे कि आपको इन पांचों क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में पेस्ट करना है एज अ होमवर्क जैसा कि हम रखते थे सो so, सबसे पहला क्वेश्चन आपके होमवर्क का है अच्छा होमवर्क के क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको अगली क्लास में जरूर बताऊंगा राइट सो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर किस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर होमवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके होमवर्क का है फेडरल सिस्टम इन इंडिया इज क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री भारत में जो संघी प्रणाली है वो निम्नलिखित में से किस देश के समान है कनाडा यूके ब्रिटेन और जापान नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क का है आपका वॉट हैपन्स वेन द गवर्नमेंट फेल टू पास द बजट जब सरकार बजट पारित करने में विफल हो जाती है तो क्या होता है फिनेंस मिनिस्टर टुक एक्स्ट्रा टाइम फ्रॉम द स्पीकर टू पास द बजट द बजट ऑफ द प्रीवियस ईयर कंटिन्यूअस इन एक्शन द होल काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हैज टू रिजाइन एंड गवर्नमेंट फॉल नन ऑफ द अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क का है ऑरिजिनेट नियर रांची द कैपिटल ऑफ झारखण्ड झारखंड राजधानी झारखंड की राजधानी रांची के पास से कौन सी नदी का उद्गम होता है वैतरणी स्वर्णरेखा दामोदर और ब्राह्मणी लास्ट क्वेश्चन ऑफ यूर होम बज हुट द रिबोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन इन कानपुर कानपुर से जो रिबोल्ट एटीन फिफ्टी सेवन का इसको किसके द्वारा लेड किया गया था गाइज नाउ एट्स टाइम आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं होमवर्क के क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कहां पर कॉमेंट सेक्शन में होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कॉमेंट्स में वीडियो के नीचे कॉमेंट में बताइएगा आफ्टर द क्लास ओके गाइज सो यहां पर देखिए अगर आज आपने अराउंड ट्वेंटी प्लस क्वेश्चन किए हैं दैट इज अ वेरी गुड स्कोर बीस से ऊपर क्वेश्चन आप बहुत आसानी से क्या कर सकते थे सॉल्व कर सकते थे दिस इज अ वेरी गुड स्कोर राइट आज की क्लास को हम यहीं पर रैप अप करेंगे आज के सेशन को कल मिलेंगे अपन एक नए सेशन में चिल्ड्रेन चेक किया बाय कीप लर्निंग एक जैसे ही बसता है तुरंत आप यहां पर जुड़ जाया करिए अपन एक बजे क्विज को स्टार्ट कर देंगे क्विज में ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा पांच क्वेश्चन होमवर्क के रहेंगे जो आपको कमेंट में बताने पड़ेंगे जिनके आंसर मैं आपको अगली क्लास में दूंगा वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा बिकॉज ये क्लास में आपके जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक अपन इसको कंटिन्यू रन करेंगे उसके बाद भी अगर अपन देखेंगे कंटिन्यूएशन में चल रहा है या नहीं ओके और फिर अगर सबसे लास्ट बुक के चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग है बाय